अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास का लेक्चर नंबर 41 है हमारे पास। यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.3। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कन्वर्ट पार्ट नंबर 1 83 डेज टू वीक्स एंड डेज। 83 डेज हमें गिवन है, उसको हमने कन्वर्ट करना है वीक्स एंड डेज में। डेज में तो ये ऑलरेडी है, लेकिन हम इसको जब वीक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास डेज भी आ जाएंगे। ठीक है, वी नो डैट वन वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज, यानी एक हफ्ते के अंदर कितने दिन होते हैं, 7। अब एरो अगर देखें, डेज टू वीक जाना है, यानी डेज से हमने कन्वर्ट होना है वीक में। एरो हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7 के साथ डिवाइड करेंगे जो हमारी गिवन वैल्यू है उसको। तो हमने किया 83 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, यहाँ पर मैंने डिवीजन का प्रोसेस किया हुआ है। 7 1 7 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, 3 हमारा नीचे आ गया। ठीक है, अब 7 1 7 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर ये जो हमारा क्वोशेंट है ये हमारे वीक्स को शो करेगा, और ये जो हमारा रिमाइंडर है ये हमारे डेज को शो करेगा। ठीक है, उन्होंने कहा था कि 83 डेज को, यानी 83 डेज को कन्वर्ट करें वीक्स में और डेज में। तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो ये वीक्स और डेज में कन्वर्ट हो गया, 11 वीक्स एंड 6 डेज। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पार्ट है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन, 138 डेज टू वीक्स एंड डेज। सेम उसी तरह के 138 पहले 83 डेज से, अब हमारे पास डेज ज़्यादा हो गए हैं, उसको हमने वीक्स और डेज में कन्वर्ट करना है। 1 week इज इक्वल्स टू 7 डेज। ठीक है, एरो हमारा डेज टू वीक्स है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसके साथ, 7 डेज के साथ। 138 को हमने 7 के साथ डिवाइड करना है, यहाँ पर डिवीजन का प्रोसेस मैंने किया हुआ है। 138 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 7 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। अब 6 इज़ लेस देन 7, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, 8 को नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, अब 7 का टेबल अगर हम 9 तक रीड करें तो आता है 63, 68 माइनस 63 इज इक्वल टू 5। अब 138 डेज को हमने वीक्स एंड डेज में कन्वर्ट करना था, तो वीक्स में हमारे पास आया 19 वीक्स और डेज में हमारे पास आ गया है 5 डेज। ठीक है, तो आंसर है 19 वीक्स एंड 5 डेज। पार्ट नंबर 5 है 150 डेज टू मंथ्स एंड डेज। हमने ये देखना है कि हमारे पास बात किस चीज़ की हो रही है, डेज की और मंथ्स की हो रही है। तो वी नो डैट वन मंथ इज इक्वल्स टू 30 डेज। ठीक है, एक मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 डेज। ठीक है, डेज को हमने मंथ्स में भी कन्वर्ट करना है और डेज में भी कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास डेज थे, डेज को हमने पहले किस में कन्वर्ट करना है, मंथ्स में। जब हम इसको मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग डेज भी आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि 150 को डिवाइड कर देंगे 30 पर, 0 0 से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास रह गया 15 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 15 को यहाँ पर मैंने डिवाइड किया हुआ है 3 पर, 3 5 15। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है ये मंथ्स है, और ये जो 0 है ये हमारे डेज को रेफ़र करेगा। ठीक है, डेज तो हमारे पास कोई भी नहीं आए, इसका मतलब ये 150 हमारे पास कितने मंथ्स हो गए हैं, 5 मंथ्स। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, 5 मंथ्स। होम असाइनमेंट है आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.3 का, उसके 1 to 5 पार्ट्स आप लोगों ने रजिस्टर्स के ऊपर सॉल्व करने हैं। थैंक यू सो मच।